नमस्कार, मैं जय कुमार। सरकारी नौकरी की भर्तियों के पेपर लीक का तथाकथित ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करते हुए टीवी के एक एंकर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारे देश में स्किल्ड युवाओं की कमी है। जिनके पास स्किल्ड नहीं होता है, वह सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। सरकारी नौकरी में काम न करने के लिए सैलरी और काम करने के लिए रिश्वत दी जाती है। इस विश्लेषण पर एंकर साहब से पूछना चाहिए कि उनकी स्किल क्या है। उनके विश्लेषण से तो ऐसा लगता है जैसे पत्रकारिता का काम नहीं करने के लिए उन्हें मोटी सैलरी दी जाती है और पत्रकारिता के नाम पर जो वह करते हैं उसी की रिश्वत के एवज में देश की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी में सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का उन्हें काम मिलता रहता है। दरअसल असली बात यह है कि अथाह पैसे के दम पर चलने वाली देश की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियों ने शिक्षा को सबके लिए जरूरी तो बताया, मगर कभी भी शिक्षा क्षेत्र में चल रही धांधलियों को ढंग से जनता के बीच नहीं उठाया। भारत में पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक हर स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में धांधली का कारोबार चलता है। आप खुद सोचिएगा कि भारत जैसे गरीब मुल्क में प्राइवेट स्कूल में महंगी पढ़ाई के नाम पर कैसी धांधली होती है। उस पर देश की बड़ी मीडिया कंपनियों ने क्या कभी सवाल उठाया है? सरकारी स्कूल की बिल्डिंगें बन गई हैं, मगर सरकारी स्कूल में जिस तरह से पढ़ाई होती है उस पढ़ाई को लेकर कभी सरकार से कठिन सवाल पूछे हैं? कभी सरकार से यह पूछा है कि क्या वजह है कि 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में देश भर में जमकर नकल का कारोबार चलता है? क्या वजह है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में ढंग के शिक्षक की कमी है और ढेर सारे शिक्षा माफिया घूमते रहते हैं? इस तरह के सवालों के प्रति सरकार को जिम्मेदार न ठहराने का परिणाम यह निकला है कि शिक्षा क्षेत्र की मौजूद धांधलियां पेपर लीक करवाने के कारोबार तक पहुंच चुकी हैं। जहां तक सरकारी संस्थानों में स्किल्ड लोगों की बात है, तो आप सबको एंकर साहब से यह पूछना चाहिए कि केंद्र सरकार की तमाम मंत्रालय विभागों सचिवालय में काम करने वाले तमाम कर्मचारी क्या बिना स्किल्ड के काम कर रहे हैं? क्या हमारा देश बिना स्किल्ड के चल रहा है? अगर इसके बाद भी आपके मन में स्किल्ड की कमी का सवाल उठता है, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि क्या स्किलफुल बनवाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए या 10 से 15 हजार रुपए महीने पर गुजारा करने वाले भारत के गरीब परिवार खुद इसका जुगाड़ कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि गोदी मीडिया की यह आदत बन चुकी है कि जब भी सरकार के प्रति गंभीर सवाल उठते हैं तो वह कुछ ऐसी राग छेड़ देती है जिसमें जनता ही दोषी बन जाए। असली मुद्दे के प्रति सरकार की जिम्मेदारी पर सवालिया निशान ना लगे, वह भंवर में फंस कर रह जाए। शिक्षा क्षेत्र पर इसका एक असर यह हुआ है कि शिक्षा की बदतर होती हुई इस दुनिया में पेपर लीक की खबरें भारत के किसी न किसी कोने से हर हफ्ते अखबार में छपी मिलती हैं। अब की बार उत्तराखंड से खबर आ रही है। लीक की खबर से पहले उत्तराखंड में बेरोजगारी का हाल जान लीजिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा कहता है कि दिसंबर 2021 में उत्तराखंड में रोजगार दर 30.43% था। यानी उत्तराखंड में जितने नौजवानों को किसी न किसी काम से जुड़ा होना चाहिए था, उसका महज 30% हिस्सा उत्तराखंड में काम कर रहा है। यह भारत के राष्ट्रीय रोजगार दर करीब 37% से भी कम है, जबकि भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60% से बहुत कम महज 40% के आसपास है। यानी दुनिया के ज्यादातर इलाकों के रोजगार दर से भारत का रोजगार दर कम है और उससे भी कहीं ज्यादा कम उत्तराखंड का रोजगार दर है। बेरोजगारी के इस भयंकर हालात में पटवारी और लेखपाल बनने के लिए उत्तराखंड में साल 2015 के बाद भर्ती निकली थी। पटवारी और लेखपाल के कुल 513 पदों के लिए उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने 17 जून 2021 को विज्ञापन जारी किया। इस परीक्षा से जुड़ी सारी प्रक्रिया नवंबर 2021 तक पूरी हो जानी चाहिए थी, मगर कोरोना की वजह से यह पूरी नहीं हो पाई। इस बीच उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत होने वाली कई परीक्षाएं पेपर लीक होने की वजह से निरस्त की जा चुकी थी। UK SSC की क्षमता पर सवालिया निशान लगने लगे। इसीलिए पटवारी और लेखपाल की परीक्षा की जिम्मेदारी सितंबर 2022 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि UKPSC को सौंपी गई। फिर दोबारा 14 अक्टूबर 2022 को 554 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए। 8 जनवरी 2023 को परीक्षा होनी तय थी, मगर फिर से पेपर लीक हो गया। यानी 8 साल के इंतजार के बाद पेपर की तारीख तय की गई और उस दिन फिर से पेपर लीक करा दिया गया। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा की तारीख 12 फरवरी रखी गई। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी मांग करने लगे कि जब तक पेपर लीक की CBI जांच नहीं होगी, तब तक वह परीक्षा में भागीदारी नहीं लेंगे। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी उत्तराखंड में लीक हो चुका है। UK SSC ने 13 अलग अलग विभागों के 916 पोस्ट को भरने के लिए
4 और 5 दिसंबर 2021 को ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कराया था। इस परीक्षा पर भी अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि 36 लाख रुपए लेकर के प्रश्न पत्र लीक करवाया गया है। केवल यही नहीं, उत्तराखंड के अभ्यर्थी बताते हैं कि लेखपाल, पटवारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड जैसी सरकारी पदों के चयन से जुड़ी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। यह बताता है कि उत्तराखंड का पूरा सरकारी अमला ढंग से परीक्षा करवाने में पूरी तरह से असफल रहा है। न ही उत्तराखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन यह जिम्मेदारी संभाल पाया और न ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। अपनी मेहनत और जीवन के साथ हो रहे इस तरह का खिलवाड़ देखकर अभ्यर्थियों का सब्र टूट गया। उत्तराखंड के सभी इलाकों से अभ्यर्थियों ने देहरादून के शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर विरोध करने का फैसला लिया। 9 फरवरी साल 2023 को भारी संख्या में अभ्यर्थियों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ। सब एक स्वर में कह रहे थे कि जब तक लीक हुए प्रश्न पत्र की पेपर की सीबीआई जांच नहीं हो जाती, तब तक वह परीक्षा में भाग नहीं लेंगे। यह कोई गलत मांग नहीं थी। एक जिम्मेदार देश का नागरिक होने के नाते आप सब भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए इस तरह की मांग को गलत नहीं ठहराएंगे। मगर अगर सरकार वाकई में सरकार होती, सरकार की भूमिका निभाती, अभ्यर्थियों की बात सुनती, पेपर लीक कराने से जुड़ी जितनी चिंताएं होती हैं उन्हें दूर करती, सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यूट्यूब पर दर्ज अभ्यर्थियों के बयान हैं कि 9 फरवरी को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हुई। उनकी तरफ से की गई पत्थरबाजी की तस्वीर भी है। उन्होंने आंदोलन तोड़ने की कोशिश की, लड़कियों के साथ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, पुलिस ने लाठियां बरसाई, किसी के सर से खून निकल रहा था तो किसी का पैर टूट गया था। हम कोई गुंडे नहीं हैं कि हम पर लाठी और लात मुक्के से हमला किया जाए। पूरा सिस्टम करप्ट बन चुका है, घूस और रिश्वत पर चल रहा है। पैसा है तो आप काबिल हैं, नहीं पैसा है तो आप नाकाबिल हैं। हर परीक्षा का रेट फिक्स है, पीसीएस का 2.5 करोड़, एई और जेई का 25 लाख, प्रवक्ता का 30 लाख, पटवारी का 25 लाख। अब आप ही बताइए कि सिस्टम पर कैसे भरोसा किया जाए। नौजवानों के बेरोजगारी पर काम करने वाले संगठन युवा हल्ला बोल के सदस्य प्रशांत कमल का कहना है, किस तरह के विरोध के बाद सरकार कहती है कि वह कठोर नकल विरोधी कानून लाएगी, दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। उत्तराखंड में भी यही बात चल रही है, मगर इन बातों से कुछ भी नहीं होता है। पहले से ही हर राज्य में नकल विरोधी मजबूत कानून और नियम है। बात दरअसल यह है कि पूरा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है जो नकल को बढ़ावा देता है। छोटे छोटे अधिकारियों के सह पर यह काम नहीं होता है, बल्कि इस काम में बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, तब जाकर के यह काम हो पाता है और लगातार होता है। अगर आप ध्यान से खबरों को पढ़ते होंगे तो परीक्षा के हर चरण पर धांधली से आप अवगत होंगे। सरकारी फॉर्म पर आवेदन के लिए 100 से लेकर 500 रुपए तक की फीस होती है। केवल आवेदन फॉर्म करने से सरकार की करोड़ों की कमाई होती है। रेलवे में एक बार भर्ती निकलती है तो करोड़ों की संख्या में आवेदन आते हैं। तो सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए कि यह पैसा जाता कहाँ है। इस पैसे का अगर जायज इस्तेमाल होता तो पेपर लीक नहीं होता। क्या यह पैसा भी चुनाव में तो नहीं खर्च किया जाता है? परीक्षा फॉर्म लेने के बाद सरकार परीक्षा कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है। ऐसा देखने को मिलता है कि सरकार ज्यादातर परीक्षाओं को संपन्न करवाने के लिए प्राइवेट एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। कई बार तो ऐसी खबरें आती हैं कि जो यह बताती हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने ही पेपर लीक करवा दिया। इसके बाद जोड़ते चले जाइए, व्हाट्सएप के जरिए पेपर लीक होना, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से पैसा लेकर उन्हें पेपर दे देना, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करवा देना, परीक्षा में बैठते वक्त रिमोट एक्सेस के जरिए पेपर सॉल्व करवाना, डमी कैंडिडेट बिठाकर एग्जाम दिलवाना, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर का रिश्वत ले लेना, यह तमाम ऐसे हथकंडे हैं जो परीक्षा की पूरी पवित्रता को बर्बाद कर देते हैं। अगर पेपर लीक से जुड़ी खबरें हफ्ते दो हफ्ते कहीं ना कहीं छप रही हैं, तो इसका मतलब है कि भारत की हर एक परीक्षा में धांधली हो रही है, बस वह धांधली पकड़ में नहीं आ रही है। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा जैसे भारत के राज्यों का नाम लेकर गूगल पर पेपर लीक टाइप किया जाए तो अनगिनत खबरें मिल जाती हैं। ऐसा लगता है कि खुद को विश्व गुरु कहलवाने के लिए बेचैन भारत में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर ईमानदारी से परीक्षा की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती हो। युवा हल्ला बोल की तरफ से पेश किए गए कुछ उदाहरणों को देखिए जो पेपर लीक से जुड़ी हुई हैं। दिसंबर 2016 में उत्तर प्रदेश के वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, SSC CHSL 2017 का पेपर लीक, MPSC टैक्स असिस्टेंट का पेपर लीक, 2016 में उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा परीक्षा का पेपर लीक,
उड़ीसा टीटी का पेपर लिख, कर्नाटक पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर लिख, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ग्रुप सी और डी का पेपर लिख, 2017 में बिहार पुलिस के 99 से पदों के लिए परीक्षा का पेपर लिख, 2021 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पेपर लिख, 2022 में एसएससी का पेपर लिख, 2022 में बीपीएससी का पेपर लिख, रेलवे के ग्रुप डी की परीक्षा का पेपर लिख, गुजरात में 2021 में सब ऑडिटर की पोस्ट की परीक्षा का पेपर लिख, 2022 के वन रक्षक भर्ती का परीक्षा लिख, 2023 के गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जूनियर कलर की भर्ती का पेपर लिख, राजस्थान में पिछले 10 सालों में 26 पेपर लिख। इस तरह से पेपर लिख मामले में भारत का हर एक राज्य एक दूसरे को टक्कर देता हुआ नजर आएगा, भले ही वहां पर भाजपा की सरकार हो या भाजपा की विपक्षी दलों की। अब थोड़ा नौजवानों के बीच बेरोजगारी की हालत देख लेते हैं। जब आपके पास नौकरी नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि हवा भी आपके शरीर से आपकी लपटों की तरह गुजर रही है। परिवार के ताने होते हैं, आसपास के लोग आपको बेकार समझने लगते हैं, अपने ऊपर से भरोसा टूटने लगता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा कहता है कि 10वीं क्लास पास भारत के तकरीबन 56% नौजवान नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ग्रेजुएट या उससे ज्यादा डिग्री लिए हुए भारत के तकरीबन 14% नौजवान नौकरी की तलाश कर रहे हैं। साल 2022 के अंतिम तिमाही के लिए जारी हुए CMIE का आंकड़ा कहता है कि 20 से 24 साल की उम्र में तकरीबन 52% नौजवान नौकरी खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। 25 से 29 साल की उम्र में तकरीबन 14% नौजवान नौकरी खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। जैसे ही उम्र बढ़ जाती है तो बेरोजगारी दर घट जाती है। इसका मतलब यह है कि जब नौजवानों को लगता है कि उन्हें वैसी नौकरी नहीं मिल रही है जैसी वह चाहते हैं, जैसे उनके पास डिग्री है, तब वो जिंदगी काटने के लिए किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन सबके अलावा यह बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि हर साल तकरीबन 2 करोड़ लोग लेबर फोर्स में जुड़ रहे हैं, मगर सरकार इनको नौकरी नहीं दिला पा रही है। नौकरियों की कुल संख्या साल 2016 से भी कम हुई है। यह सब मिलाकर बेरोजगारी की भयंकर सुनामी बना रहे हैं, जिसमें पहले से ही नौकरियां कम है, नौकरियां निकलती भी हैं तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है तो विरोध प्रदर्शन होता है और उन्हें लाठियों की मार सहनी पड़ती है। तो चलिए इस पर युवा हल्ला बोल के अनुपम को सुनते हैं, जो देश भर में घूम घूम कर बेरोजगारी के मुद्दों पर नौजवानों को आंदोलित कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे का समाधान क्या है। पहले तो सरकार नौकरियां नहीं निकालती, निकालती है तो परीक्षाएं नहीं होती, और परीक्षा हो जाए तो पेपर लीक हो जाता है। मेरा मानना है कि इस देश में दंगे और पेपर लीक बिना सुनियोजित प्लानिंग के हो ही नहीं सकते। और उसमें भी ये ध्यान दीजिए कि जितने पेपर लीक्स के घटनाओं की जानकारी आपको और हमको है, वो तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है पूरे अपराध का। इट इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। क्योंकि अगर पेपर लीक जितनी बार हो रही होंगी, वो सारी जानकारी सार्वजनिक हो जाए, एक्सपोज हो जाए, आपको हमको पता चल जाए, तो उतने भर से पेपर लीक की घटनाएं बंद हो जाएगी। तो हमारे पास तो उतनी ही जानकारी है ना, जितना सार्वजनिक हो पाया, जिसका खुलासा हो पाया है। और उसमें भी सरकारों को जिस ढंग से स्वतंत्र और समयबद्ध ढंग से पेपर लीक की घटनाओं की जांच करनी चाहिए, वो कहीं नहीं होती। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवा भारत का युवा डिप्रेशन में जा रहा है, इस अवसाद में, मानसिक अवसाद में आत्महत्या और खुदकुशी जैसे कदम उठा रहा है, लेकिन सरकारें पेपर लीक को लेकर कभी भी जो उसके असल सरगना है उन तक पहुंचती ही नहीं है। सरकारें करती क्या है कि अगर थोड़ा मोटा दबाव बने, आंदोलन प्रदर्शन हो जाए किसी भर्ती को लेकर जिसमें पेपर लीक हुआ हो, तो सबसे पहले सरकार क्या करती है कि उन अभ्यर्थियों को ही जा के पकड़ लेती है जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदा होगा। मतलब कि जिनको मजबूर कर दिया कि उनको नौकरी चाहिए तो 10 लाख 15 लाख में पेपर खरीदो, उनको गिरफ्तार सबसे पहले कर लिया जाता है। ठीक है, वो भी अपराधी हैं, उनको भी गिरफ्तार करें, या फिर उन सॉल्वर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो किसी दूसरे के बदले बैठ के परीक्षा देते हैं कुछ पैसों की लालच में। लेकिन ज्यादातर जांच इन्हीं गिरफ्तारियों के आधार पर अखबारों में खबर डाल डाल के कि इतने गिरफ्तार किए, इतने गिरफ्तार किए, रफा दफा कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर दबाव थोड़ा ज्यादा बने, सवाल थोड़ा ज्यादा पूछ दिया जाए सरकार से, तब जाके क्या किया जाता है कि किसी सरकारी विभाग के चतुर्थ श्रेणी के 1, 2, 3 कर्मचारियों को पकड़ के बता दिया जाता है कि इन्हीं निरीह प्राणियों ने पूरा का पूरा नेक्सस रचा था, यही सरगना थे, और फाइल क्लोज कर दी जाती है। आपने भी कई बार ऐसा सुना होगा कि चतुर्थ श्रेणी के 2 कर्मचारी पर सरगना पकड़े गए।
असल में वो सरगना नहीं होते, हो सकता है वो नेक्सस का पार्ट हो, लेकिन जांच वहां नहीं रुकनी चाहिए। जवाबदेही वहां पे अंतिम नहीं तय होती है, इसके आगे एक और लेयर है। लेयर है उन दलालों का जो सही मायने में पूरे नेक्सस को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। उन तक तो कोई जांच जल्दी पहुंचती ही नहीं है, और कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए, हम लोग जैसे लोग बहुत विरोध प्रदर्शन करते हैं, और कहीं अगर जांच वहां तक पहुंच जाए, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है, तो स्पष्ट दिखने लग जाता है कि ये जो दलाल इस पेपर लीक भर्ती लीक में था, उसका किस राजनीतिज्ञ के साथ सीधा संबंध है। और मेरा मानना है कि कोई भी पेपर लीक की घटना वही लोग अंजाम देते हैं जिनके ऊपर सत्ता में बैठे लोगों का आशीर्वाद होता है, शह होता है, और इससे जो पूरी जो काली कमाई आती है, यह अंततः उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने में ही लगता है। यह पूरा खेल चलता है। इस कारण से जांच में कभी भी जो राजनीतिज्ञ हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं जिनकी जवाबदेही है, उन तक कभी जांच नहीं पहुंचती, और इसलिए पेपर लीक की घटनाएं कभी नहीं रुकती। अभी पेपर लीक एक राष्ट्रीय बहस जैसा बन गया है, अच्छी बात है, पहली बार ऐसा हुआ है, और कई राज्य सरकारें तरह तरह की घोषणा कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून बना दिया तुरंत, अभी चल रहे छात्र प्रदर्शनों के रिएक्शन में। उत्तर प्रदेश में इसको संगठित अपराध माना गया है। राजस्थान सरकार ने अभी बजट में पेपर लीक के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। अब देखिए, सब ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इतना कर देने भर से पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी? नकल विरोधी कानून बनाने से नकल रुक जाएगा, तो भ्रष्टाचार विरोधी कानून से क्या भ्रष्टाचार रुक गया? सिर्फ बलात्कार विरोधी कानून से क्या महिलाएं सुरक्षित हो गई? असल में पेपर लीक की घटनाओं पर रोकथाम तभी लगेगा जब राजनीतिक जवाबदेही तय हो। सत्ता में बैठे लोग जो है, उनकी जवाबदेही जब तक नहीं तय होगी, जब तक उनके अंदर पॉलिटिकल विल नहीं होगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकेंगी। और उनके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति तभी होगी जब आप, हम जैसे देश के लोग, देश के युवा, देश के बेरोजगार एकजुट होकर सरकार से सवाल पूछेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।